खुश आमदीद। इस वीडियो में आपसे इस्लामिक जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर एक, वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने सारी उम्र मकान तामीर नहीं किया? ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस कौम की इस्लाह के लिए मबऊस किया गया? ए बनी इसराइल के लिए, बी बनू हाशिम के लिए, सी बनू कुरैश के लिए, डी मालूम नहीं। दुरुस्त जवाब है ए बनी इसराइल के लिए। सवाल नंबर तीन, सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मज़हब क्या था? ए हनफी, बी बरेलवी, सी मालकी, सी अलादीसी। दुरुस्त जवाब है ए हनफी। सवाल नंबर चार, अहद बनो उमैया में बास्तीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? ए बगदाद, बी कूफा, सी कुस्तुंतिया, डी जद्दा। दुरुस्त जवाब है सी कुस्तुंतिया। सवाल नंबर पाँच, कुरान मजीद की सूरह इनाम का मतलब क्या है? ए मवेशी, बी हशरात, सी माले गनीमत, डी अल्लाह का इनाम। दुरुस्त जवाब है ए मवेशी। सवाल नंबर छः, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? ए सोमवार को, बी मंगल को, सी जुमेरात को, डी जुमे को। दुरुस्त जवाब है डी जुमे को। सवाल नंबर सात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस मुल्क के हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया? ए यमन के, बी ईरान के, सी रूस के, डी रोम के। दुरुस्त जवाब है ए यमन के। सवाल नंबर आठ, अल्लाह ने आसमानी किताब जबूर को किस महीने में नाजिल फरमाया? ए मुहर्रम, बी रबीउल अव्वल, सी रजब, डी रमजान। दुरुस्त जवाब है डी रमज़ान। सवाल नंबर नौ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और कौन सी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी? ए पहाड़, बी परिंदे, सी हशरात, डी परिंदे और पहाड़। दुरुस्त जवाब है डी परिंदे और पहाड़। सवाल नंबर दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धातु की बनी हुई थी? ए सोने की, बी चांदी की, सी
तांबे की, डी लोहे की। दुरुस्त जवाब है बी चांदी की। सवाल नंबर 11, वो क्या है जो लड़कों को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार और लड़कियों को दो बार मिलता है? ए जायदाद में हिस्सा, बी खानदानी नाम, सी कारोबार में हिस्सा, डी मकान में हिस्सा। दुरुस्त जवाब है बी खानदानी नाम। सवाल नंबर 12, कौन सी नमाज आपकी कब्र में आपके साथ जाती है? ए फजर की, बी मगरिब की, सी असर की, डी ईशा की। दुरुस्त जवाब है ए फजर की। सवाल नंबर 13, किस अजीम हस्ती का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया? ए हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, बी हजरत आमना का, सी हजरत खदी हमजा का, डी हजरत अबू बकर का। दुरुस्त जवाब है ए हजरत खदीजा का, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं हुआ था। सवाल नंबर 14, किस नबी ने पैदा होते ही लोगों के सवालों का जवाब दिया? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत यहया अलैहिस्सलाम, डी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 15, दज्जाल के साथ किसकी फौजें होंगी? ए यहूदियों की, बी ईसाइयों की, सी हिंदुओं की, डी बुद्ध मतों की। दुरुस्त जवाब है ए यहूदियों की। सवाल नंबर 16, हजरत इस्माईल अलैहि इस्लाम को किस कौम में मबऊस किया गया? ए बनी इसराइल में, बी बनू अरब में, सी बनू जरहम में, डी बनू कुरैश में। दुरुस्त जवाब है सी बनू जरहम में। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बआसानी मिल सके। शुक्रिया।